फोकस करिएगा। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर आपका सेट थ्योरी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि सेट होता क्या है, समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम सेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेट बनाते हैं। सेट बनाते हैं यानी जैसे मान लीजिए हमें एक टीम बनाना है, तो कैसा टीम बनाना है? जो टीम जाके जीते तो एक उसका सेट बनाना पड़ेगा। सेलेक्टेड प्लेयर को क्या करना पड़ेगा? चुन करके माट में उतारना पड़ेगा। समझ पा रहे? तो सेट थ्योरी क्या बोलता है कि सेट थ्योरी का अगर डेफिनेशन का बात करें तो सेट थ्योरी किसका थ्योरी है? सेट थ्योरी इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। थ्योरी हटा दीजिए, सेट रखिए अच्छा रहेगा। सेट इज द कलेक्शन, सेट इज द ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सेट क्या है भाई? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कलेक्शन बनाते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमें एक टीम तैयार करना है तो जबरदस्त प्लेयर चाहिए, क्योंकि हमें टीम तैयार करके बैठाना नहीं है, टीम से काम करवाना है। टीम को लेकर के हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करना है। समझ पा रहे हैं? टीम को लेकर हमें जीत हासिल करना है, माना ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो क्या करिएगा भाई? ऐसा ऐसा लोगों का कलेक्शन करिएगा जो हमारा उद्देश्य को क्या करे, पूरा कर दे। उसको हम क्या कहेंगे? सेट। क्लियर है? क्या सेट का टाइप्स है? पहला रोस्टर और टेबुलर मेथड। ऐसा नॉर्मल को हम लोग ना रोस्टर और टेबुलर मेथड कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर मेथड। जो सेट थ्योरी बनता है इसी डायग्राम में, मतलब इसी ब्रैकेट में बनेगा, ये वाला ब्रैकेट। पहला मेथड रोस्टर और टेबुलर मेथड, और दूसरा है सेट सेलेक्ट या बिल्डर मेथड। जब इस तरीके का आ जाएगा एलिमेंट या ए बी सी 1 2 3 ये सब आ जाएगा ना, तो उसको हम कहेंगे सेट सेलेक्ट बिल्डर मेथड, सेट सेलेक्ट। अब टाइप्स ऑफ सेट, सेट कैसा कैसा हो सकता है सेट। पहला फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट माने जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट माने काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट माने अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हेयर काउंटेबल की नॉन काउंटेबल, तो इनफाइनाइट है। पेन काउंटेबल की नॉन काउंटेबल, तो ये क्या फाइनाइट क्या है? जिसे गिन सकते हैं फाइनाइट, जिसे नहीं गिन सकते इनफाइनाइट। इक्वल सेट माने दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। नल सेट या एम्प्टी सेट माने खाली है। नल सेट का ये साइन है भाई, नल सेट का साइन है। टिक्की में पूछ सकता है नल सेट का ये साइन है या खाली खाली, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। पावर सेट का फॉर्मूला 2 का पावर n। यूनिवर्सल सेट को यू या एस से डिनोट करते हैं, यू या एस से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। यू को बोलते हैं यूनियन सेट। यू को क्या कहेंगे? यूनियन सेट। यू खाली लिखा रहेगा तो यूनियन सेट है, यू खाली लिखा रहेगा तो क्या है? यूनियन सेट। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो यूनियन सेट का देखते ही हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? माने एलसीएम का मतलब जो डेटा मिले उसको भी लिखना है, जो डेटा नहीं मिले उसको भी लिखना है। इसको हम कहते हैं एलसीएम। माने यूनियन सेट को एलसीएम की तरह ट्रीट करते हैं ये। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन सेट। बोलो क्या बोले हैं? इंटरसेक्शन सेट। इसका मतलब क्या लेना होता है? हमें एससीएफ। क्या लेना पड़ता है? एससीएफ। जो मिलेगा दोनों में वही लेंगे, जो कॉमन होगा दोनों में वही लेंगे, नहीं कॉमन होगा नहीं लेंगे। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं एससीएफ। क्या कहते हैं? ई माने होता है एलिमेंट, माने बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू उसे कहते हैं एलिमेंट, जो संबंधित है। ई माने होता है एलिमेंट बिलोंग टू। कट कर दिए माने डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन को कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? और ये कौन सा सेट है? नॉट इक्वल टू। कौन सा बताइएगा? सेट इज द कलेक्शन, सेट इज द ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जिसका कलेक्शन कहते हैं उसे सेट कहते हैं। सेट का कितना मेथड है? दो। कौन कौन? रोस्टर और टेबुलर मेथड या सेट सेलेक्ट बिल्डर मेथड। सेट सेलेक्ट। क्लियर? टाइप्स ऑफ सेट पहला कौन सा भैया? फाइनाइट सेट माने इनफाइनाइट सेट माने इक्वल सेट माने बराबर, नल सेट माने खाली, एम्प्टी खाली साइन है। पावर सेट का फॉर्मूला 2 का पावर n। और यू माने यूनियन सेट, माने क्या लेना होता है? एलसीएम। क्या लेना होता है? यूनिवर्सल सेट छूट चुका है, यूनिवर्सल सेट को यू या एस बोलते हैं, यू या एस। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। माने क्या लेना है? एससीएफ। क्या लेना है? और डिफरेंस ऑफ सेट कैसे होगा भाई? ये डिफरेंस सेट का साइन है। डिफरेंस माने माइनस करना है। क्या करना है? माइनस 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 करना है डिफरेंस सेट। E माने क्या होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स माने बिलोंग्स टू, और कट कर दिया माने डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या है? सबसे। और ये क्या? नॉट इक्वल टू। क्लियर है क्या? ये हम लोगों का पूरा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन लिखिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, राइट डाउन द
क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सेट थ्योरेटिक नोटेशन, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सेट थ्योरेटिक नोटेशन. चलिए एक नंबर देखे लिखिए, थ्री इज एन एलिमेंट, सेट थ्योरेटिक नोटेशन. एक नंबर देखे लिखिए, थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए ब्लॉक लेटर में थ्री, तीन तीन, थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. दो नंबर देखे लिखिए, फोर डज नॉट बिलोंग टू सेट बी. और तीन नंबर देखे लिखिए, सी इज अ सबसेट ऑफ डी. हो गया क्या? सी इज अ सबसेट ऑफ डी. ओके, कैसे लिखेंगे सेट थ्योरेटिक नोटेशन में, आइए हम लोग देखते हैं किस तरीका से सेट थ्योरेटिक नोटेशन में इसे लिखा जाएगा. फोकस करिए, अच्छे से समझिए, सभी को समझ में आएगा. थ्योरी क्लियर है सभी लोगों का? सुनिएगा ध्यान से, फोकस. पहला क्या भाई, थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सेट थ्योरेटिक नोटेशन, मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसे सेट थ्योरेटिक नोटेशन में लिखना है. सेट थ्योरेटिक क्या चीज में लिखना है? नोटेशन. कैसे लिखेंगे सुनिए, एक नंबर में क्या बोला गया, थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. दो नंबर क्या बोला, फोर डज नॉट बिलोंग टू सेट बी. और तीन नंबर क्या बोला, सी इज अ सबसेट ऑफ डी. कॉपी करिए, तब तक एक क्वेश्चन हम लिख के और देते हैं आपको, फिर आगे करेंगे. चलिए लिखिए, फाइंड द पावर सेट ऑफ 1, 2, 3. हाथ को अभी स्टॉप करिए, हाथ को स्टॉप करिए. किसका पावर सेट निकालना भैया? 1, 2, 3. कैसे निकलेगा सुनिए सभी लोग, फाइंड द पावर सेट ऑफ 1, 2, 3. है पावर सेट का क्या फॉर्मूला है? एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेट. है पावर सेट का फॉर्मूला क्या? 2 का पावर n. कितना है भैया? 1, 2, 3. तो 2 का पावर q कितना वाला? 8. माने इसको 8 तरीका से सजाना है. इसको कितना तरीका से सजाना है? 8 तरीका से. कितना तरीका? खाली बोल देगा कि 2 का पावर a, खाली बताओ कि कितना तरीका से सजाना, तो 8 पेटिक लगा देंगे. और 8 तरीका से बोलेगा सजाना, तो तरीका वाला पेटिक लगाएंगे. तो कैसे सजाएंगे देखो, 1 अकेला क्या सजा पहले, अकेला पहले क्या सजा रहे भाई? अकेला कैसे सजा रहे? अकेला क्या सजा हो गया? 1, 2, 3. अब दुकेला सजाओ, 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का, फिर 2 के साथ 3 का. अब कैसे? नहीं हो गया 2 के साथ 3, अब क्या खेला चल रहा है? 2 के साथ 3. अब तीनों का 3 केला सजाओ, 1, 2, 3. सजा रहे हैं आप, पहले अकेला, फिर दुकेला, फिर 3 केला. यहाँ देखो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सात हुआ, 8 में सजाना है. कितना सजाना है? तो लास्ट वाला नल सेट खाली रहेगा. नहीं भैया खाली रहेगा, नल खाली रहेगा, नल का साइन खाली रहेगा, नल का साइन. कोई दिक्कत? 8 हो गया ना. इस तरीका सजाना क्लियर है क्या? एक देंगे तो ऐसा आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है? तो दिया जाएगा, कॉपी करिए पहले झड़क से.
हो गया है, फोकस फोकस। गिवन ए इक्वल टू चल रहा है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, फाइंड ए इंटू बी। सुनिएगा ध्यान से कैसे होगा, हाथ को स्टॉप रखिए, ए इंटू बी मतलब ए का वैल्यू भरिए और बी का वैल्यू भरिए। ए का वैल्यू कितना, 2, 3, 8 यही है ना, और बी का वैल्यू कितना है, 6, 4, 3। देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ए से किसको करना, बी को, ए से किसको करना है, बी को। तो पहले 2 के साथ सबका होगा, फिर 3 के साथ सबका होगा, फिर 8 के साथ सबका होगा। कैसे होगा देखो, पहले एक ऐसा ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। अब 2 के साथ किसका, 6 का, तो 2, 6 ऐसे करके लिख देना, फिर कॉमन। 2 के साथ किसका, 4 का, ऐसे फिर 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। क्लियर है क्या, बोल दीजिए क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। अब फिर 3 के साथ, 6 का, 3 के साथ, 4 का, फिर 3 के साथ, 3 हो गया, यस सर। फिर 8 के साथ, 6 का 8, 4 है 8, 4, 2, 8 से 8 बस बस आंसर हो गया, ये सेट थ्योरी का मल्टीप्लीकेशन ऐसे करना, क्लियर, मल्टीप्लाई करना, कर लिख के छोड़ दो, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें ये ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अच्छे से सुनिए, क्या निकालना भाई, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सुनिए, ए यूनियन बी, ए का वैल्यू भर दो, ए का वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4 यूनियन का साइन, बी का वैल्यू भर दो, बी का वैल्यू कितना है, 2, 4, 5 भर दिए। अब यूनियन का मतलब दोनों में मैच करो, जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, लेकिन एक बार लिखना है, मतलब सबको लिखना है। तो 1, 2, 3, 4 तो क्या मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है, उधर का क्या नहीं मिल रहा, 5 मिनट, मैंने सबको लिखना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको एक बार लिख देना, हो गया, एक बार सबको लिख देना है। यूनियन का मतलब एलसीएम लेना, क्या लेना, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, इधर का क्या बचेगा, 5 मिनट, हमें सबको लिख देना है। यूनियन दिखाई देगा तो सबको दोनों में जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा वो भी, लेकिन कितना बार लिखेंगे, एक बार, कितना बार लिखेंगे, एक बार, कोई दिक्कत है तो बोल दो, कोई तकलीफ, क्या चीज़ भाई, आपका दिमाग खराब हो गया है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे से सुनिए पहले, ए नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए का वैल्यू कितना है, ये है, भर दीजिए, बी का वैल्यू भर दिया, अब क्या देखना है, अब इसमें कंपेयर करना है, जो मिलेगा उसको भी लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना। इधर से 1, 2, 3, 4 ले लिए, 2, 4 तो मिल चुका है, 5 तक नहीं रहता, अभी हो गया, कोई तकलीफ, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्या भाई, बी यूनियन सी नहीं बनाएंगे हम, ए इंटरसेप्शन बी बनाएंगे, तीन नंबर ए इंटरसेप्शन बी, ए का वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन है, ये तो इंटरसेक्शन है, और बी का वैल्यू कितना है, अब इसमें दोनों में जो मैच करेगा वही लिखेंगे, क्या मैच कर रहा है, 2, 4 जो दोनों में मैच करेगा वही लिखेंगे, माने एलसीएम लेना, माने इंटरसेक्शन है तो दोनों में मैच करेगा वो लिखेंगे, और यूनियन है तो सबको लिखेंगे, बट एक बार लिखेंगे रिपीटेबिलिटी के साथ, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट हम 7 नंबर कर रहे हैं, ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वैल्यू बढ़ते हैं, ए का वैल्यू कितना भाई, 1, 2, 3, 4 यूनियन है, बी का वैल्यू कितना है, 2, 4, 5, 8
हो गया। फिर क्या है, इंटरसेप्शन है ना, फिर क्या ए ए का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4। फिर क्या यूनियन, और सी का वैल्यू कितना है, 3 4 5 6 7 है ना, 5 6 7 है ना, क्लियर। आप देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व, ये वाला इसमें जो मिल रहा उसको भी लिखिए, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखिए, 1 2 3 4 5 8 हो गया हाँ सर। इसमें जो मिल रहा उसको भी लिखिए, जो नहीं मिल रहा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये इंटरसेक्शन है, क्या है, मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व फिर बार वाला सॉल्व, इंटरसेक्शन मैंने दोनों में जो मैच करेगा, क्या मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना, तो आंसर 1 2 3 4 समझ गए आप लोग, बाकी आप लोगों को बनाना है 2 5 6 समझे क्या बोले, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, कॉपी।